हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि यूएसए एम्बेसी में निकली हुई है। सो आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई जॉब। ओके, सो दैट वॉज द रीज़न आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो ऑन द रेगुलर बेसिस। बट सो आई सॉ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू। एंड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली सो दैट आई मीन यू कैन नो ईच एंड एवरी थिंग रिलेटिंग टू दिस पोजिशन एंड यू कैन ईजिली अप्लाई। तो जो पोजिशन का नेम है वो वेयर हाउस वर्कर के लिए है, ठीक है। वेयर हाउस जो होते हैं यू एस ए एम्बेसी में, वहाँ के जो वर्कर हैं उनके लिए पोजीशन निकली हुई है। एनुअल सैलरी जो दी गई है वो 3,89,000 दी गई है, ठीक। 3,89,000 ये एनुअल सैलरी है, यानी पूरे साल की सैलरी है। और उसी के बेसिस पे आप 12 से डिवाइड करके इसको मंथली सैलरी निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोविडेंट फंड भी इंक्लूड होते हैं, फिर उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड होती है, जो कि मतलब कंपलसरी होती हैं एम्बेसी की तरफ से, वो सब आपको सर्विस प्रोवाइड होगी। इसके अलावा अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूं तो वीकली जो वर्किंग आवर्स हैं वो 40 आवर्स की जॉब रहेगी। मान लीजिए कि 8 आवर्स पर डे आपको जो है जॉब करनी रहेगी। अब इसके अलावा जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसके लिए आखिर जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स क्या चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, इस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए, ये चीज़। तो जो एम्बेसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो 5th या 6th क्लास की मांगी है। तो अगर आप 5th या 6th क्लास ही स्टैंडर्ड पास हैं, यानी आपने 10th कंप्लीट किए या 7th तक पढ़े हैं, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए एक मतलब अच्छा मौका है, ठीक, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, या तो जैसे वेयर हाउस में ही होना चाहिए या एज अ लेबर होना चाहिए, मतलब किसी भी मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एम्बेसी में ही अगर आप ऑलरेडी वर्क करते हैं, या फिर आपने किसी भी वेयर हाउस में आपने 2 ईयर से ज़्यादा का वर्क किया, तो आप इस पोस्ट के लिए मतलब इस पोजीशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पोजीशन में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। वैसे जनरली 1 वैकेंसी होती है, 2 होती है, लेकिन 3 वैकेंसी हैं। तो आप मतलब जो भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और मतलब जॉब को एक्वायर कर सकते हैं अपने स्किल्स के थ्रू। और लैंग्वेज की अगर कमांड की बात करें तो लैंग्वेज जो है इंग्लिश के मीडियम ही मांगी गई है, यानी आपको बस रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग आई है, आनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप समझ लेते तो ठीक है। फ्लुएंट कुछ नहीं चाहिए इसमें इंग्लिश को लेके। हिंदी जैसे आपकी मदर टंग है तो हिंदी आप मतलब आपको लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए, ठीक। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको एजुकेशन भी बता दिया, स्किल सेट भी बता दी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बता दी, सैलरी भी बता दी, कितने घंटे आपको काम करना है ये भी बता दिया। इसको अप्लाई करने के लिए यूएसए एम्बेसी ने अपना लिंक दिया, मैं उसको यूट्यूब के अपने जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक को अटैच कर दूंगा, या फिर आप मेरे इसको पर्सनली भी मांग सकते हैं। तो उसके बाद में आप उसी लिंक के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे आप किसी भी फॉर्म को, गवर्नमेंट फॉर्म को फिल करने के लिए एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। फिर 8 से 9 पेज का इसका जो फॉर्म होता है, वो जो फॉर्म है वो आपको इसमें फिल करने होंगे। कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनके आंसर होते हैं, ठीक है। तो वो पूरी प्रोफाइल आपको बना के सबमिट करनी होती है, उसी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है, यानी शॉर्ट लिस्ट होता है जो कि पहली स्टेज है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए या फिर रिटर्न टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। तो जो कि जो भी मतलब फ्रेशर है जिन्होंने पहले कभी दिया नहीं, या फिर पहले दिया है पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर प्रोफाइल में चैलेंज आता है, फॉर्म में चैलेंज आता है, तो वो मतलब मेरी सर्विसेस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी जो गाइडेंस होती है वो ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है।
तो जो भी मतलब जैसा भी आपका वर्क रहता है, ठीक, कि आपको प्रोफाइल अपनी खाली रिव्यू करवानी है या फिर मतलब क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो प्रिपेयर करवाने, कैसे लिखना है उसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को मतलब मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा आप मांगेंगे तो उसके मतलब आप ये भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई खुद भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी फ्रेंड या फिर मतलब जो भी कलीग हो जो कि इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं या आप समझते हैं कि उनके लिए ये पोजीशन है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनको, ताकि उनको एक मतलब इंडक्शन मिल सके जॉब का, ठीक है, और उसके बाद में वो जॉब को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर वीडियो में ही मतलब बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई आपके कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू विजिटर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ वंडरफुल डे।